हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर कोई भी स्टोरी आपको पावर पॉइंट पे दिखानी है विद ऑडियो, या फिर कोई भी राइम्स आपको दिखानी है विद ऑडियो, तो आप कैसे बनाएंगे, उसे कैसे डिस्प्ले कराएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी हमने बनाई है। एक बार आपको उसका प्रीव्यू दिखा देते हैं कि किस तरीके से स्टोरी बनी हुई है। हम F5 करेंगे या फिर यहाँ पे देख लेंगे इसका प्रीव्यू। चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, पेड़ पर से एक चींटी तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने उसे अपना जीवन बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हुए देखा। उसने एक पत्ते को तोड़ा और चींटी के पास फेंक दिया। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और बड़ी कृतज्ञता भरी नजरों से उसने कबूतर का धन्यवाद किया। तो देखिए, इस तरीके से एक स्टोरी हमने बनाई है, पावर पॉइंट पे बनी है। तो हम आज की वीडियो में यही सीखेंगे कि किसी भी स्टोरी को हम कैसे इस पे दिखा सकते हैं, कोई भी एनिमेशन कैसे दिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम Ctrl+N करेंगे और यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन ले लेंगे। अभी देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमें जगह मिल रही है। हम दोनों टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे डिलीट कर देंगे, जिससे हमारी जो स्लाइड है बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी। अब आपने जो भी अपने सिस्टम पे जिफ इमेजेस डाउनलोड करके रखिए, गूगल से आप डाउनलोड करेंगे, आपको बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी। तो आपकी जैसी स्टोरी होगी, आपकी राइम्स होगी, उस अकॉर्डिंग आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे हम स्लाइड का जो साइज़ है थोड़ा छोटा कर लेंगे, जिसमें हमारी पूरी स्लाइड एक बार में विजिबल हो। अब हम इंसर्ट पे जाएंगे और पिक्चर्स पे जाके इमेजेस को इंसर्ट करा लेंगे। ये देखिए, हमारी एक इमेज, हम इसे यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे। इंसर्ट पे जाके अब पूरे स्लाइड पे हम इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। और देखिए, हमने नेट से डाउनलोड की है, तो यहाँ पे बॉटम पे वेक्टर स्टॉक दे रहा है, तो हम इसे यहाँ पे हाइड कर देंगे। इंसर्ट पे आएंगे, शेप्स पे आएंगे और एक यहाँ पे शेप इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। और इसमें कोई भी कलर हम यहाँ पे फिल कर देंगे, जैसे हमने इस तरीके से कर दिया। और इसकी आउटलाइन जो है हम यहाँ पे हटा देंगे। अब देखिए, हमारी स्टोरी की जो रिक्वायरमेंट है, उसमें एक चींटी होगी, एक कबूतर होगा और एक पत्ता तोड़ के फेंकेगा। तो तीन चीज़ें हमें इंसर्ट करानी है, तो हम इंसर्ट पे जाके इंसर्ट करा लेंगे। अभी देखिए, जो ये कबूतर है, इसका डायरेक्शन चेंज करना है हमें, तो इस वाले पॉइंट से हम इसको सेलेक्ट करके इस साइड ड्रैग कर लेंगे, क्योंकि हमें पेड़ पे इसे बैठा हुआ दिखाना है। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से इसको यहाँ पे एडजस्ट करा लेंगे। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें एक चींटी इंसर्ट करानी है, तो हम इंसर्ट पे जाके जहाँ कहीं भी आपके सिस्टम पे चींटी की इमेज आपने डाउनलोड की हो, वहाँ से इंसर्ट करा लीजिए। हमने इसे सेलेक्ट किया और इसे हमने यहाँ पे इंसर्ट करा लिया। इसका साइज़ भी हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अभी देखिए, इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट दिख रहा है, हमें यहाँ पे कलर पे जाना है और यहाँ पे से ट्रांसपेरेंट कलर पे हम क्लिक करेंगे। जो वाइट है, वाइट पे क्लिक कर देंगे, तो जो इसका कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और अब हमें एक पत्ते की ज़रूरत है, तो वो भी हम इंसर्ट करा लेंगे। हम इंसर्ट पे आए, पिक्चर पे आए और दिस डिवाइस पे आके पिक्चर को इंसर्ट करा लेंगे। अभी देखिए, इसका भी जो बैकग्राउंड है वाइट, हमें रिमूव करना है। हम कलर पे आएंगे और यहाँ पे इससे ट्रांसपेरेंट कलर है, इस पे भी हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो देखिए, ये भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और इसको भी उठा के हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अभी देखिए, जो हमारा ये कबूतर बना हुआ है, ये पीछे हो रहा है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेंड बैकवर्ड है, तो हम इसको कर देंगे सेंड बैकवर्ड। ये देखिए अब कबूतर जो है हमारा वो आगे दिख रहा है मूवमेंट करता हुआ। अब हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग इस चींटी को चलते हुए दिखाना है कि यहाँ पे नदी पे आके गिर जाती है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, एनिमेशन पे आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले एनिमेशन पेन लगा लेंगे, जिससे जो भी एनिमेशन हम लगाएं वो हमें दिख जाए। तो अब हम आएंगे ऐड एनिमेशन पे और ये देखिए यहाँ पे लाइंस का ऑप्शन है, हम यहाँ से लाइंस ले लेंगे, लाइंस पे जाके क्लिक करेंगे। अभी देखिए इस तरीके से डायरेक्ट गिरते हुए दिख रही है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये वाला जो रेड पॉइंट है हम इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो इसका डायरेक्शन यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि इधर सीधे चलते हुए दिखेगी और यहाँ पे आगे आते हुए इसके नीचे से इस तरीके से गिरेगी। एक बार इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए बहुत स्पीड में भी दिख रही है, तो हमें इसको थोड़ा स्लो करना है, तो यहाँ पे जो हमने इफ़ेक्ट लगाया है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा है इफ़ेक्ट ऑप्शन, तो हम यहाँ पे देखिए स्मूथ स्टार्ट कर देंगे और स्मूथ एंड कर देंगे कि जिसमें बड़ा लाइटली दिखे। और टाइमिंग की बात करें, यहाँ पे टाइमिंग पे आएगा, तो ऑन क्लिक जो है इसको हम अभी ऑन क्लिक ही रखेंगे और यहाँ पे ड्यूरेशन इसकी जो देनी है ड्यूरेशन हम इसको कर देंगे स्लो, कि चींटी तो धीमे चलते हुए हमें दिखेगी भी बहुत फास्ट दिख रही है, या फिर इसको वेरी स्लो, स्लो पे हम रखते हैं, चेक करते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देंगे ओके। अब इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं, देखिए धीरे धीरे चलते हुए दिख रही है। अभी हमें इसको वेरी स्लो करना है जिससे बिल्कुल परफेक्ट लगे। इफेक्ट ऑप्शन पे आएंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे टाइमिंग पे वेरी स्लो और इसे हम कर देंगे ओके। तो अब देखिए बिल्कुल चींटी चींटी की तरीके चलते हुए दिख रही है, तो एक एनिमेशन तो हमने लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पर आएगी और इस तरीके से पानी में गिर जाएगी। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसकी यहाँ पर एक डुप्लीकेट स्लाइड बना देंगे कि सेम कंटेंट के साथ हमारी डुप्लीकेट स्लाइड हो गई है। हम सेकंड वाली स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे और जो चींटी है हम इसको यहाँ पे उठा के रख देंगे बिल्कुल इसी पोजीशन पे जहाँ पे हमारा ये एरो है। और ये जो हमारा एरो है लाइन का हमने एनिमेशन लगाया है इसे हम डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे चींटी जब नीचे गिर जाएगी तो इसको रोटेट करके दिखा देंगे कि जब पानी में गिर गई है तो इस तरीके से अपसाइड डाउन हो गई है। और यहाँ पे एनिमेशन पे आएंगे, ऐड एनिमेशन पे आएंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे मोर मोशन पाथ पे। अब इसको वेव्स में दिखाना है कि पानी में किस तरीके से जा रही है, पानी के बहाव के साथ बहते हुए हमें दिखाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इफेक्ट देख लेंगे जो भी इस पे सूटेबल होगा। ये देखिए वेव्स है, डिकेइंग वेव्स, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से आ गया। अभी बहुत ज़्यादा वेव्स बन रही है, तो इसके डायरेक्शन को हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कि छोटी सी वेव्स हमें दिखे और जितनी दूर तक हमें इसको लेके जाना है हम उतनी दूर तक इसको यहाँ पे एरो को खींच देंगे। जब ये डबल साइडेड एरो आता है तभी इसको आप ड्रॉ करिएगा। तो देखिए यहाँ से है, एक बार इसका प्रीव्यू हम इस प्ले बटन पर भी करके देख सकते हैं। देखिए बहुत फास्ट है, इसको भी हम स्लो कर देंगे। हम इसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेकंड स्लाइड पे ही देखिए हम यहाँ पे हैं, इफ़ेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, इफ़ेक्ट ऑप्शन पे आ गए यहाँ पे और इसको भी स्मूथ स्टार्ट एंड रखेंगे और जो टाइमिंग हमारी है वो ऑन क्लिक ही रखेंगे क्योंकि हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे किस तरीके से करेंगे अभी देखिए, इसको भी मीडियम है, इसको भी हम वेरी स्लो रखेंगे और हम ओके करेंगे। देखिए पानी में बहती हुई दिख रही है इस तरीके से। अभी जो बॉक्स है बिल्कुल ऊपर जा रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। एक बार अब इतना प्रीव्यू हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, इस तरीके से चींटी चलती हुई दिख रही है और यहाँ पे हम अगेन क्लिक करेंगे तो देखिए अपसाइड डाउन हो गई है। अब देखिए वेव्स में बहते हुए दिख रही है। अब यहाँ पे क्या है, कबूतर इसको देखेगा गिरते हुए तो ऊपर से एक पत्ता फेंकेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लीफ है इसकी हम डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पे कर देंगे तो सेम कंटेंट के साथ हमारी स्लाइड आ जाएगी। अब क्या करेंगे, जो लीफ हमारी है इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड एनिमेशन पर आ जाएंगे, मोर मोशन पाथ पर आएंगे यहाँ पर हम और यहाँ पे कस्टम पाथ है, आप यहाँ से ले लीजिए या फिर मैंने यहाँ पे रिसेंटली यूज़ किया है वहाँ से हम ले लेंगे। ऐड एनिमेशन पे आएंगे और यहाँ पे देखिए सबसे बॉटम पे भी आपको कस्टम पाथ का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से ले लीजिए कस्टम पाथ। और जो ये लीफ है इसको आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग करिए, जैसे वेव्स में आ रहा है और यहाँ पे आके गिर जाएगा। और यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए तो यहीं तक ये इफेक्ट दिखेगा। अभी देखिए ये भी बहुत फास्ट गिर रहा है, हमको इसे भी स्लो दिखाना है तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन पे करेंगे, इसको भी स्मूथ स्टार्ट एंड करेंगे और यहाँ टाइमिंग पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, ड्यूरेशन इसको भी हम स्लो कर देंगे या वेरी स्लो रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हम इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। ये देखिए किस तरीके से गिर रहा है, हवा में गिरते हुए बिल्कुल दिख रहा है। अब ये यहाँ पे गिरेगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, चींटी इस पत्ते पे आके बैठ जाएगी तो इसकी अगेन हम डुप्लीकेट स्लाइड कर लेंगे। अब देखिए सेम कंटेंट के साथ हमारी डुप्लीकेट स्लाइड आ गई है। अब जो ये हमारा डायरेक्शन है हम इसको भी चींटी को उठा के यहाँ तक लाएंगे और ये जो एनिमेशन लगा इसे सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे इसको यहाँ पे। अब जो पत्ता गिर रहा है पत्ते को हम यहाँ पे बिल्कुल रखेंगे जिसमें बिल्कुल पोजीशन दिखे, ये यहाँ पे आकर के गिर जाएगा। और इसका जो एनिमेशन है उसे भी हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब चींटी जो अभी अपसाइड डाउन है इसे यहाँ से रोटेट कर देंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा और इस पर सेट कर देंगे। एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम इसका डायरेक्शन दे देंगे, यहाँ से बिल्कुल आ जाएगी साइड में। तो हम यहाँ पे अगेन एनिमेशन लगा देंगे, एनिमेशन पे आएंगे, ऐड एनिमेशन पे आएंगे और इसके लिए भी हम कस्टम पाथ ले लेंगे और यहाँ से इस पत्ते का हमें जो डायरेक्शन देना है ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आके हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो हमारा एनिमेशन यहीं तक आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमें पत्ते को और चींटी को ग्रुप करना था, हम शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पत्ते को सेलेक्ट किया और चींटी को हमने सेलेक्ट किया, दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। अब आ जाएंगे ऐड एनिमेशन पे और यहाँ पे दोनों को हम कस्टम पाथ दे देंगे और अब अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पाथ बना देंगे कि किस तरीके से ये जा रहा है पत्ता। और यहाँ पे आके हम डबल क्लिक कर देंगे तो पत्ता बिल्कुल साइड में आ जाएगा। अभी देखिए ये भी बहुत फास्ट है, इसे भी हम यहाँ पे स्लो कर लेंगे। इफेक्ट ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे इसको भी स्मूथ स्टार्ट रखना है, एंड करना है, इसको भी सेम वही रखना है। टाइमिंग पे आ जाएंगे हम यहाँ पे और इसको हम कर देंगे यहाँ पे ऑन क्लिक ही रखते हैं और यहाँ पे कर देंगे हम ड्यूरेशन में वेरी स्लो और यहाँ पे हम कर देंगे ओके। ये देखिए पत्ता बिल्कुल साइड तक आ जाएगा इस तरीके से हमारा। इसको थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं तो इसको अपसाइड कर दीजिए इसको, इस तरीके से हमने एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। अब एक बार पूरा प्रीव्यू चेक कर लेते हैं हम। देखिए इस तरीके से है हमारी, हम क्लिक करेंगे तो हमारी चींटी चलती हुई दिखेगी, इस तरीके से आगे जा रही है धीमे धीमे और ये पानी में आके जैसे ही गिरेगी हम इसको अपसाइड डाउन कर देंगे, क्लिक बस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल आ गई है, फिर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो है वो फिर से साइड में दिख रही है, हम इसको सही कर लेंगे यहाँ पे। ये थर्ड स्लाइड में जो हमारा है यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर, पहले इसको उठा के हम साइड में रख देंगे और जो ये हमारा एनिमेशन है इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। अब इसको F5 से हम चेक कर लेंगे या यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए चींटी इस तरीके से चलती हुई जा रही है हमारी। ये हर बार आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे बीच में पड़ी रहेगी और फिर ये पत्ता फेंक देगा कबूतर और इस पे आके इस तरीके से बैठ जाएगी और फिर क्लिक करेंगे तो देखिए इस पे बैठ के ये चींटी साइड से आ जाएगी और ये बिल्कुल साइड में पहुँच जाएगी। अब क्या है, हमें ऑडियो सेट करना है। तो ऑडियो सेट करने के लिए हम फर्स्ट वाली स्लाइड पर आ जाएंगे और इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे देखिए ऑडियो हम ले लेंगे जो कि मैंने पहले से ही स्टोरी के लिए डाउनलोड करके रखा है। ऑडियो पे आ जाएंगे और ऑडियो ऑन माई डिवाइस पे क्लिक करेंगे। और ये देखिए चींटी और कबूतर की कहानी है, हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट करा लिया। इसको उठा के हम साइड में रख लेंगे और हम चाहते हैं कि जब स्टोरी हमारी चले तो प्ले बटन ना दिखे। उसके लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा है हाइड ड्यूरिंग शो, हम इस पर क्लिक कर देंगे और अब हम इसको प्ले करके देखेंगे। अब इसको भी विद प्रीवियस करना पड़ेगा। देखिए जो स्टोरी हमने लगाई है इस वाली बटन पे हम क्लिक करेंगे, जो हमने साउंड लगाया है इफेक्ट ऑप्शन इसके इफेक्ट पे आएंगे और इस पे आके हम यहाँ पे टाइमिंग भी दे देंगे। टाइमिंग पे आएंगे विद प्रीवियस, पहले से स्टोरी चलती रहे जैसे ही हम स्लाइड शो करते हैं। विद प्रीवियस करेंगे और हम इसे यहाँ पे कर देंगे ओके। अब एक बार चींटी और कबूतर, ये देखिए हमारी स्टोरी चल रही है। एक बार प्ले करते हैं। अभी देखिए हमारा साउंड यहाँ पे नहीं चल रहा, हम इसको चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी पहले स्टोरी चली उसके बाद प्ले हो रहा है। तो क्योंकि देखिए चींटी और कबूतर की जो स्टोरी है इसको अप डाउन हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी क्या पहले पिक्चर 9 थी, अब हम इसको यहाँ पे स्टोरी को ऊपर कर रहे हैं और पिक्चर जो 9 है इसको बाद में कर रहे हैं कि जो स्टोरी है वो हमारी पहले से ही चलना स्टार्ट हो जाए। अब फिर से हम इसको प्ले करते हैं। अब देखिए हमारी स्टोरी चल रही है। एक समय की बात है, पेड़ पर से एक चींटी तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने उसे अपना जीवन बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हुए देखा। उसने एक पत्ते को तोड़ा और चींटी के पास फेंक दिया। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और बड़ी कृतज्ञता भरी नजरों से उसने कबूतर का धन्यवाद किया। तो देखिए इस तरीके से हमने कितनी इजीली एक स्टोरी बना ली है। आप किसी भी राइम्स को बना सकते हैं कि बच्चों की छोटी छोटी राइम्स बना सकते हैं। तो पावर पॉइंट को आप बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। नेट से आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी जिफ इमेज, और उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।